आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें कि सिंध हुकूमत ने सूबे भर में लॉकडाउन का फैसला कर लिया है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सिंध हुकूमत ने यह अहम फैसला किया है। वज़ीर-ए-आला सिंध की शहरियों से घरों में रहने की अपील के बावजूद शहरियों ने अमल नहीं किया, जिसके बाद अब अहम फैसला सिंध हुकूमत की जानिब से किया गया। लॉकडाउन का फैसला वज़ीर-ए-आला सिंध की ज़ेरे सदारत आला सतह के इजलास में किया गया। लॉकडाउन का ऐलान किया जाएगा। मज़ीद तफ़सीलात सुमेर राजपूत से जान लेते हैं। जी सुमेर, क्या फैसला किया गया है? क्या सिविल और अस्करी क़यादत को एतमाद में लिया गया है? हाँ जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एक और अहम और बड़ा फैसला कर लिया है। सुबह भर में लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया है। आला सतह का इजलास वज़ीर-ए-आला सिंध की ज़ेर सदारत जारी था, जिसमें वज़ीर-ए-आला सिंध ने अस्करी और सिविल क़यादत को एतमाद में लेकर लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया है, जिसका बाकायदा ऐलान जो है वो कल कर दिया जाएगा। लॉकडाउन होने की सूरत में तमाम तर जो दुकानें हैं वो पूरी तरह बंद कर दी जाएंगी, और शहरी जिनसे बार बार जो है वज़ीर-ए-आला सिंध की जानिब से अपील की जा रही थी कि 3 रोज़ तक वो घरों में आइसोलेट में रहें, जो शहरी जो है वज़ीर-ए-आला के इकामत का मजाक बना रहे थे, लेकिन अब जो है वो सिंध हुकूमत की जानिब से एक बड़ा फैसला सामने आ गया है। क्योंकि आज भी अगर बात करें तो कोरोना के 100 से ज़ायद केसेस जो है वो सूबे भर में देखने में आए, जबकि कराची में भी लोकल केसेस की तादाद बढ़ी है। उसके बाद जो है वज़ीर-ए-आला सिंध ने अब एक बड़ा फैसला कर लिया। सख्त इकदाम जो है वो सिंध हुकूमत की जानिब किए जा रहे हैं। अहम फैसला कर लिया गया है। सिविल और अस्करी क़यादत एक प्लेटफॉर्म पर आ गई है। वज़ीर-ए-आला सिंध ने लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया है, और पुलिस और रेंजर्स और जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको सख्ती से अमल दरामद कराने के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। जी